वेलकम बैक टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। अल नवील गोट फार्म के बकरे कवर कर रहे हैं इन सातारा, एंड अल नवील फार्म के क्लाइंट हैं हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू थैंक अल नवील गोट फार्म फॉर दिस वार्म वेलकम। इन्होंने स्पेशली एक लोगो प्रिंट करके लगाया है अपने बैनर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम है आपका? अज़र। अज़र भाई आपका और मंसूर भाई का, आपके ब्रदर है? हाँ, बड़े भाई है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सरप्राइजिंग था, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि सडन प्लान हुआ ना। अच्छा। इतनी जल्दी बनवाना, वो सुबह में मैं दिमाग में आ गया, मोला अपने पास जगह है, मोला लगा लेंगे वहाँ पे। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अल नवील अपने फार्म का नाम? अल नवील गोट फार्म। सातारा में कहाँ पर है? सातारा में दौलत नगर में लोकेटेड। दौलत नगर, ओके। आपके क्लाइंट कौन है? शाहरुख भाई है ये। शाहरुख भाई से बात। बकरा एक साल से, पिछले बकरीद पे वो अपने पास पलाई पे आया था, बकरीद के बाद दो दिन से, तो जब से अभी तक बकरा अपने पास ही है। तो शाहरुख भाई का बकरा है अल नवील गोट सातारा पे, तकरीबन एक साल से पल रहा है। ये है शाहरुख भाई। शाहरुख भाई, वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? सातारा मंगलौर पेट। हाँ, और बकरा आपने एक साल पहले यहाँ पे भेजा था? हाँ। क्यों ये अल नवील गोट चुना आपने? हाँ, ये इनकी पलाई का सेटअप अच्छा है। हाँ, मतलब खिलाने का तरीका बहुत अच्छा है, साफ सफाई सब अच्छे रहती है। आपको पता कैसे चला? हाँ, मैंने एक बार विजिट दी थी ईद होने के बाद। पिछले बार मेरे 8-10 बकरे थे। अच्छा, आपके बकरे? हाँ। यहाँ पे पहले भी थे? पहले नहीं थे, मेरे फार्म थे, लेकिन मैंने अभी एक साल हुआ बंद किया है, तो एक ही बकरा मेरे को। इनके बारे में कैसे पता चला? मेरा सवाल ये है कि इनके बारे में कैसे पता चला? हाँ, एक बार मैंने आके इधर विजिट दे के गया था। कैसे पता चला? ऐसे चलते चलते तो नहीं? ये मेरे फार्म पे आए थे उधर। अच्छा, वही तब उनके साथ बात किया। आपका फार्म कहाँ पर था? सातारा कोंडवा में। अच्छा, सातारा। आइए ना, बिल्कुल आइए। ये शाहरुख भाई है, ये शाहरुख भाई का पिछले साल एक फार्म था इनका, 8-10 बकरे इनके भी थे, पर पिछले साल इनका जो ये फार्म जो है इन्होंने बंद किया कुछ रीजन के कारण वहाँ पर पत्ते। तो शाहरुख भाई के फार्म पे आप विजिट किए थे? फार्म पे एक पार्टी के लिए बकरा देना था मुझे, तो मैं इनके फार्म पे का जो बकरा है वो दिखाने के लिए मैं गया था, मैं और मेरे बड़े भाई। तो यहाँ वहाँ पे जो ये बकरा उनके पास पल रहा था ऑलरेडी उनके फार्म पे, तो फिर उनसे बात हो गई, तो वो बोले कि मुझे ये बकरा पल्टी पे डालना है, पर मैं फार्म बंद कर रहा हूँ, तो आप ये हमारा बकरा अपने फार्म पे रख लीजिए। okay. फिर उसके बाद उन्होंने आके हमारे फार्म पे विजिट किया, फार्म चेक किया, देख लिया, और फिर उसके बाद बकरा रख दिया हमारे यहाँ पे, क्योंकि तो हमारा जो है टेरिस फार्म सेटअप है। जी, जी। और पूरा घर का हमारे ध्यान रहता है, बच्चे वगैरह सब हमारे वहीं पे खेलते हैं टेरिस पर। okay. और बच्चे क्या है आपका पलाई रेट? पलाई रेट अंडुल बकरे का 3,500 50 kg के ऊपर। ओके, और अंडर 50 kg? अंडर 50 kg का 2,500 रुपये। और खसियों से परे से 2,500। खसी पालते हैं लोग यहाँ पे? के बिल्कुल है, पुणे वाले पार्टी के। कितने बकरे पाल सकते हो आप? मेरे पास 16 बकरों की कैपेसिटी है। ओके, 16 बकरे। और अभी है कितने बकरे? केज जो है मेरे पास 11 केज है टोटल पूरे, और बाकी खुट्टा सिस्टम पे, जो खसी बकरे वो खुट्टे पे मैं रखता हूँ। ओके, शाहरुख भाई से बात करेंगे। शाहरुख भाई, आपका बकरा बिक्री के लिए निकाले हो आपने? हाँ। उसकी डिटेल्स तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए बकरा कौन से महीने आपने भेजा था और कितने किलो पे था? एक्चुअली ईद होने के बाद ही मैंने एक महीने भर में इधर भेजा था, जुलाई के करीब। हाँ, जुलाई के करीब। कितने किलो पे होगा उस समय? अब ये 82-85 पे है। उस समय 65 पे था। 65, तो तकरीबन आई थिंक 10 महीने में 20 किलो ऊपर है। तो दो का एवरेज दिया है 3,500 रुपए पलाई में। बकरा एग्रेसिव होने की वजह से ज्यादा, अंडुल तो अग्रेसिव होते ही, अभी कोटा अग्रेसिव नहीं हुआ तो फिर उसकी नाक कट जाएगी, है ना। तो 3,500 जब आप चेक करते हो, उसने वजन तोड़ दिया था बीमारी में, उसके बाद में वापस रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 85 kg। फिर भी भाई 20 किलो ऊपर है, बड़ी बात है, साल हुआ नहीं है। ऑनलाइन एवरेज कहा जाता है कि भाई अंडुल बकरों में 25 किलो अगर साल का दे दिया तो सपोज टू बी गुड, इफ नॉट एक्सीलेंट। आप कब पहुँचोगे एक्सीलेंट स्टेज पर? एक्सीलेंट चल रहा है, इंशाल्लाह अगले साल आपको मैं और बकरे दिखाऊंगा।
प्रयास जारी है, तो और भी बकरे होंगे जो दो से ऊपर का एवरेज दिए होगी, नहीं और भी बकरे होंगे जो दो से ज्यादा का एवरेज दिए होगी ना, है ना, लेकिन हम फिलहाल ये बिक्री के लिए निकाले इसीलिए इसका बता रहे हैं। शाहरुख भाई ने बिक्री के लिए निकाला इसलिए अभी बता रहे हैं। ठीक है शाहरुख भाई, चलिए बकरे का नाम बताइए क्या है। वांटेड है। वांटेड, और डिटेल्स बताइए बकरे की। डिटेल्स, छह दांत कंप्लीट किया है इसने। इन्होंने को कहा आठ दांत है, आठ दांत पे है, छह दांत किया है, आठ दांत लगा रहा है, आठ दांत लगा रहा है, फ्रेश लगा रहा है। ओके, 85 kg लगा रहा है, 85 kg एंड आई थिंक एप्रोक्सीमेटली 38-39 हाइट होगी, 38-39 हाइट है। और मांग कितना रहे हो आप इस बकरे का? मांग फोन पे मत बताना करके बताएंगे। मैंने फोन किया, हेलो ट्रेंच लिंक कितना मांगोगे बता दो ना, क्योंकि फोन पे भी आप प्राइस बता रहे हैं, शर्म क्या। इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, कैची काची कुछ नहीं है, राइट, कुछ लुक्स फाइन टू मी। फिर भी देख लेना आप एक बार चला देगा, वीडियो देख लो, वैक्सीनेटेड जानवर है पूरा। आप बोलते बीच में बीमार हुआ था, राइट, अब क्या हो गया था एग्जैक्टली? आप नजदीक आओगे उनके जी, उसके जो है बाल जा रहे थे और फीवर में आ गया था बकरा। ओके, ओके। उसके बाद कौन से महीने की बात है ये? कुछ दिसंबर में। ओके, एट द मोमेंट एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, वैक्सीनेटेड बकरा है, पीपीआर के इसके पूरे वैक्सीन अपने पास फार्म पे बारिश के पहले ही हो चुके हैं। डिलीवरी करवा दोगे कहीं भी? इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए। एनीबॉडी इंटरेस्टेड शाहरुख भाई से कांटेक्ट होगा तो मैं पूरा डिलीवरी करवाने का फ्री में, फ्री ऑफ फ्री में चार्जेस पार्टी के पास। ओके ठीक है, आपका नंबर 8007777005। मैं कहना चाहूँगा कि बकरा बहुत अच्छा है, ठीक है, रेट भी आई थिंक ये साफ साफ बोले कि भाई मैंने मांगा हूँ, ठीक है, आपने दे दिया ऐसा नहीं है, सो यू कैन नेगोशिएट। बकरा बहुत अच्छा है, वंस अगेन आई एम सेइंग कि कैमरा डज नॉट डू जस्टिस, आके देखिए, बहुत अच्छा बकरा है, अच्छी तैयार की है इन्होंने अल नबील गोश्त से। और इनके पास अगर आपको पलाई पर भेजना है सो हियर इज़ द नंबर, ये पलाई के लिए है, राइट, ये पलाई के लिए, अदरवाइज जो स्क्रीन पर नंबर दिया है शाहरुख भाई का, वंस अगेन लास्ट टाइम नंबर बोलिए दोबारा, 8007777005, शाहरुख, राइट, शाहरुख, एंड यू स्टे हियर, आप इधर के, इधर के, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।